आज छत्तीसगढ़ विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। उनके निधन से बस्तर के साथ प्रदेश में शोक की लहर है। मंडावी के निधन पर राज्यपाल अनुसुईया उइके, सीएम भूपेश बघेल, चरणदास महंत, मोहन मरकाम और कवासी लखमा समेत दिग्गज कांग्रेस नेताओं ने शोक जताया है। मंडावी की कार्यशैली से उनके दल के साथ विपक्षी नेता भी प्रभावित रहे। नारायण चंदेल समेत दूसरे बीजेपी नेताओं ने भी शोक जताया और समाज के लिए अपूर्णीय क्षति बताया है। विधानसभा उपाध्यक्ष श्रद्धेय मनोज मंडावी जी हमारे बीच नहीं रहे, मैं उनको मेरी ओर से, मेरे दल की ओर से सत सत नमन करता हूँ, सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनका जाना हमारे लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है, आदिवासी समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है। इस दुख की घड़ी में उन परिवार जनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें, ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूँ। मेरे को 6:30 बजे खबर मिला है, उस समय से मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मनोज मंडावी एक आदिवासी बहुत बड़ा चेहरा था। जब भी आदिवासी का बात होता था बस्तर के बारे में दमदारी से लड़ता था, आज हमारा बीच में नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ। दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके काम करने वाले मनोज मंडावी जी रहे हैं, सभी दलों के साथ उनका बहुत अच्छा संबंध रहा है और जो प्रतिबद्धता उनकी अपने पार्टी के लिए, समाज के लिए होनी चाहिए कि उस क्षेत्र का विकास कैसे हो, उसके लिए सतत उनका प्रयास करना, एक युवा नेता के रूप में उभर करके सामने आए थे और एक कदावर नेता के रूप में यहां से विदा हुए हैं। सवेरे 4:30-5 बजे निवास स्थान में उनकी तबीयत खराब हो गई थी, चारमा हॉस्पिटल ले जाया गया। चारमा हॉस्पिटल में तबीयत ज़्यादा खराब होने से उनको यहाँ के लिए रिफर किया गया धमतरी के लिए, लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि लाते लाते रास्ते में ही उनका यहाँ पे निधन हो गया, जिसकी घोषणा यहाँ धमतरी या DCH में की गई। कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, ये बहुत बड़ा नुकसान है, उसकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। विधायक मनोज मंडावी आज सुबह नहीं रहे, हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया और लगातार प्रतिक्रियाएं भी हमने रहे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे मनोज मंडावी, इस वक्त विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। महंत जी, आपके साथ ही सदन के भीतर आपके सहयोगी नहीं रहे, क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? हमारे साथी, हमारे परिवार के सदस्य, हमारे उपाध्यक्ष मनोज मंडावी का निधन हम सब लोगों के लिए बिल्कुल आश्चर्य कर देने वाला एक खबर है। जैसे ही हमको सूचना मिली, हम उस विश्वास नहीं कर पा रहे हैं जब तक हमने वहां के SP से ये कंफर्म नहीं किया जी। बहुत दुखद है, बहुत प्यारा आदमी, बहुत प्यारा विधायक, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के लिए काम करने वाला, बस्तर के आदिवासियों के लिए काम करने वाला बहुत ही प्यारा हमारा साथी नहीं रहा है, ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। हम जी पता नहीं क्यों उन्हें बहुत प्यार करते थे, वो भी हमें बहुत प्यार करते थे, ऐसा लगता था कि हम एक ही परिवार के हैं। उनका निधन हमारे लिए ही नहीं, पूरे बस्तर संभाग के आदिवासियों के लिए बहुत बड़ी क्षति है जी। ईश्वर करे उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, अपने आत्मा में लीन करें और उनके परिवार को, उनके दुखी जनों को, सबको संबल प्रदान करें। हम सब लोग दुखी हैं, पूरा मंत्रिमंडल दुखी होगा, पूरा विधायक दल दुखी है। वो बहुत ही प्यारा इंसान था, बहुत बेहतर था, यहाँ तक कि विधानसभा नहीं आता था, सिर्फ अपने क्षेत्र में काम करने में लगा रहता था जी। और मैं सोचता था और कभी कभी डांटता भी था कि विधानसभा की बड़ी जिम्मेदारी है, आओ सीखो, मगर इसकी पहली प्रायोरिटी आदिवासियों के बीच रहना, उनके घर में रहना, उनकी सेवा करना था। एक बहुत बड़े शुभ चिंतक, हित चिंतक को बस्तर वालों ने खो दिया है, हम सब ने खो दिया है। मैं उनकी आत्मा को नमन करता हूँ।
मैन जी, आपसे कुछ देर पहले हमारी राज्यपाल अनुसुईया उइके जी से भी बात हो रही थी, आपके साथ उनके दो संबंध रहे बाकी लोगों की तुलना में, अगर आप देखा जाए तो एक जनप्रतिनिधि भी रहे, आपके सदन के भीतर आपके साथी रहे, संवैधानिक पद पर भी रहे, उनके क्षेत्र के बारे में राज्यपाल जी बता रहे थे कि सांसद मंडावी ने उनको बताया था कि उन्होंने अपने क्षेत्र में एक मंदिर का निर्माण करवाया है, कल ही उनसे चर्चा हुई और वहाँ जाने की भी उन्होंने गुजारिश की कि आप मैडम जरूर चलिए वहाँ पर, अगर क्षेत्र के कामकाज को आप देखें किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि बहुत सारी चुनौतियों के बीच वो काम कर रहे थे। आदिवासी संस्कृति में देखकर जी प्रकृति की पूजा होती है, उसको छोड़ करके वो पूरे देवी देवताओं को भी हिंदू धर्म के देवी देवताओं से उनका बहुत लगाव था, बहुत विश्वास था, उनने मंदिर भी बनाया था, मुझे भी जाने का आग्रह किया था, मैं उनके साथ जाने वाला था जी। उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई, मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, ईश्वर की क्या इच्छा है मैं कह नहीं सकता, मगर वो मंदिर में जो वो बनाया था उसमें बहुत उसने मेहनत की थी और सब लोगों को वहाँ आशीर्वाद देने के लिए जाता था, उसको विश्वास था कि यहाँ साक्षात भगवान यहाँ आशीर्वाद देते हैं, उसका विश्वास प्रकृति पर भी उतना था, ईश्वर पर भी उतना था, ये बहुत ही ऐसा संयोग है जो बहुत कम लोगों को मिलता है। चलिए महंत जी, हमसे बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर चरणदास महंत विधानसभा के अध्यक्ष, संवैधानिक अपने पद पर बैठे अपने साथी के बारे में बता रहे थे कि बहुत ही सशक्त नेता रहे, विधानसभा के भीतर भी काफ़ी सहयोग रहता था और साथ ही वो भी बताते थे कि किस तरीके से सत्र की कार्रवाई में किस तरीके से उनको काम करना है। तो एक बड़ी दुखद खबर आज सुबह से हम लगातार अपडेट आपको बता रहे हैं, मनोज मंडावी जो कि भानुप्रतापपुर से कांग्रेस के विधायक थे, उनका निधन हो गया आज हार्ट अटैक से, विधानसभा के उपाध्यक्ष भी थे। तो आपको बता दें कि इस पर लगातार प्रतिक्रियाएं हम लोगों की ले रहे हैं। इस बीच एक अहम जानकारी आपको देते हैं, इसी खबर से जुड़ी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष मनोज मंडावी के निधन पर दुख जताया है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी दुख जताया है। तो आज राजनीतिक गलियारे में एकदम दुख पसर गया है, दुख व्यक्त किया जा रहा है, सभी जनप्रतिनिधि इस वक्त हैरत में है और विश्वास नहीं हो रहा है कि उनका जो साथी जो क्षेत्र की आवाज को मुद्दों को मुखरता से उठाता था, लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय था, उनका अचानक आज निधन हुआ। और सुबह से जब से उनका निधन हुआ तब से हम लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अखिलेश शुक्ला हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े, अखिलेश क्या कुछ जानकारी और क्या कुछ रिएक्शंस मिल रहे हैं अभी? आज सुबह उनको अटैक आया जिसके बाद उनको कांकेर के जो समीप गांव है नचियानावा वहां पर थे, वहां से उनको चरामा ले जाया गया, चरामा के बाद वो धुंतरी जब पहुंचे तो धुंतरी में जो हॉस्पिटल है वहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया, उसके बाद से इस क्षेत्र में शोक का माहौल है, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उनके गृहग्राम पहुंच गए, जस्ट पार्थिव शरीर को अभी ही कुछ देर पहले ही नचियानावा लेके आया गया। कांकेर के विधायक जो है शिशुपाल सूरी जी वो यहाँ पहुंच चुके हैं और यह मौजूद है और यहाँ पर गम का माहौल है और लगातार लोग बड़ी संख्या में यहाँ कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। मनोज मंडावी बारे में बताया जाता था कि दबंग नेता के रूप में उनकी छवि थी, लगातार अपनी बातों को बेबाक रखते थे, बातों पर हर बातों पर अपनी, और ये था कि वो छात्र समय से ही अपने छात्र नेता के रूप में उभरते रहे और एक बस्तर के एक आदिवासी में कांग्रेस के एक बड़े नेता में से एक माने जाते थे मनोज मंडावी को। लगातार दो बार चुनाव जीते हैं, पिछले बार भी उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ जो नेता है बोला जाए जिनको दिलाल दुग्गा जी को चुनाव हराया था, लगभग 26,000 से ज्यादा वोटों से वो हराए थे, उससे पहले भी उन्होंने जीत दर्ज की थी जिसमें भाजपा के ही एक वो जो है सतीश लाठिया जी जो भी जिला अध्यक्ष वर्तमान में उनको भी उन्होंने चुनाव हराया था और क्षेत्र में उनकी छवि बढ़िया है, बहुत अच्छी छवि थी, दबंग के रूप में जाना जाता था, अपने बेबाक राय के नाम से उनको हर आदमी जानता था कि अपनी हर बातों पर अपनी बेबाक राय रखना उनकी आदत थी। बिल्कुल, और ऐसे क्षेत्र में जहां पर नक्सलवाद का जो गढ़ है वहां पर इस तरीके से निडरता से और बेबाकी से अपनी बात रखना बड़ी बात। अखिलेश, क्योंकि उनके साथी जो थे उस वक्त उनके साथ मौजूद थे कांग्रेस के नेता हैं राम भुवन, उनसे हमसे हमारी चर्चा हो रही थी, उन्हें पहले भी अटैक आया था, आज सुबह ऐसा क्या कुछ हुआ
कैसे पता चला, क्योंकि वो अस्पताल तक भी नहीं पहुंच पाए। उनका कहना यह था कि रास्ते में शायद वो उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। जब वो राजघर में थे, अभी नचियाला गांव में थे, कल रास्ते में सुबह उनको ऐसा चेस्ट में दर्द होना शुरू हुआ, उसके बाद उनको वहां से ले जाया गया। और जो हमें जानकारी मिल रही है कि रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया था। और धमतरी पहुंचे तो वहां का जो डॉक्टर है, धमतरी में जो हॉस्पिटल ले गए थे, वहां के डॉक्टर ने उनकी पुष्टि भी कर दी वहां पहुंचने के बाद। तो उनको वापस कांकेर कांकेर जो के नजदीक जो नथिया गांव है वहां पहुंच गए हैं। उनके पार्थिव बॉडी पहुंच चुका है और अब आगे कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है। कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं हर जगह से, हर तरफ से लोग पहुंच रहे हैं। कांकेर के विधायक यहाँ उनके पार्थिव शरीर आने से पहले यहाँ मौजूद थे, सुशोभन सोरी जी, पूर्व जो नगर पालिका अध्यक्ष है जितेंद्र सिंह ठाकुर, वो भी यहाँ मौजूद थे। और हर तरफ से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा नेता हो, लेकिन अपने नेता को देखने के लिए हर आदमी, हर कार्यकर्ता इच्छुक है जो उनके गृह निवास जो है नथियोनागो वहाँ पहुंचते ही पहुंच रहे हैं। अखिलेश, उनके अंतिम यात्रा और अंतिम संस्कार को लेकर क्या जानकारी है? अभी तक तो ये है कि परिवार की तरफ से कोई जानकारी अभी तक हुई नहीं है, पर जस्ट अभी उनकी पार्थिव शरीर लाया गया तो थोड़ा सा माहौल गमगीन है। कुछ देर बाद जैसे हमें जानकारी मिलेगी हम इसे अपडेट कर देंगे। बिल्कुल, अपडेट हम करेंगे, लगातार अपडेट पहुंचा रहे हैं दर्शकों तक, और साथ ही रिएक्शंस भी लगातार पहुंचा रहे हैं जो उनके साथी हैं, उनका भी रिएक्शन पहुंचा रहे हैं। इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अखिलेश, नजर बनाए रखिएगा। मनोज मंडावी का निधन हो गया, आज उनके सुबह हार्ट अटैक से निधन की खबर आई, उसके बाद लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लोगों से लगातार रिएक्शन ले रहे हैं, तो उनके साथी उनसे रिएक्शन ले रहे हैं। गृहग्राम नथिया गांव में उनका अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। भानु प्रतापपुर विधानसभा से विधायक थे मनोज मंडावी, काफी लोकप्रिय आदिवासी नेता, धमतरी के निजी अस्पताल में आज उन्होंने अंतिम सांस ली। बड़ी खबर आपको और दुखद खबर आपको बता रहे छत्तीसगढ़ की राजनीति से। सवेरे 4:30-5 बजे उनके निवास स्थान में उनकी तबीयत खराब हो गई थी, चारिमा हॉस्पिटल ले जाया गया। चारिमा हॉस्पिटल में तबीयत ज़्यादा खराब होने से उनको यहाँ के लिए रिफर किया गया धमतरी के लिए, लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि लाते रास्ते रास्ते में ही उनका यहाँ पे निधन हो गया, जिसकी घोषणा यहाँ धमतरी DCH में की गई। कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, ये बहुत बड़ा नुकसान है, उसकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। तो भानु प्रतापपुर के विधायक और छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष दिवंगत नेता मनोज मंडावी अपने छोटे बेटे अमन मंडावी की कामयाबी से बेहद खुश थे, और अमन मंडावी युवा कांग्रेस कांकेर के नए जिलाध्यक्ष नियुक्त किए गए, और इस दौरान उन्होंने दो दिन पहले IBS 24 को अपनी प्रतिक्रिया भी दी थी। खुशी से भरे ये पल और उनका बयान उनकी जिंदगी का आखिरी बयान बन गया। भरी बरसात में यहाँ के युवा कांग्रेस के साथियों ने, कांग्रेस कमेटी के साथियों ने, NSI के साथियों ने और सभी महिलाओं ने और पुरुषों ने जिस हिसाब से स्वागत और सत्कार की ली, उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ताओं का इस प्रकार से यूथ कांग्रेस के प्रति समर्पण, राहुल जी के प्रति समर्पण, सोनिया जी के प्रति समर्पण और खासकर इस प्रदेश के मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल जी के प्रति समर्पण का एक प्रयास वाची है। मैं कह सकता हूँ कि आज इतने लोग इकट्ठा होकर युवक कांग्रेस के जितने भी पदाधिकारी हैं सब साथियों का स्वागत किया गया। आज के अवसर पे मैं इतना कहना चाहता हूँ, सभी जनताओं का, कार्यकर्ताओं का, युवा कांग्रेस के, कांग्रेसियों का, महिला कांग्रेस का और सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। उसी प्रकार से सभी जितने भी हमारे युवक कांग्रेस के जिला के जितने भी पदाधिकारी हैं उनको मैं शुभकामना देता हूँ, उनको आशीष देता हूँ कि वो अपने जीवन में खूब उन्नति करें, खूब आगे बढ़ें और कांग्रेस के जीत में, कांग्रेस के उन्नति में और खासकर राहुल जी को और सोनिया जी को मजबूती दें। ऐसी मेरा सोच है, ऐसे उनसे निवेदन है। नहीं रहे विधायक मनोज मंडावी, भानु प्रतापपुर से विधायक, छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष मनोज मंडावी का आज हार्ट अटैक से निधन हो गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनके निधन पर दुख जताया, कहा मंडावी वरिष्ठ आदिवासी नेता थे। साथ ही उन्होंने कहा कि उपाध्यक्ष सहित अनेक महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित किया है उन्होंने। मनोज मंडावी आदिवासी समाज के बड़े नेता थे, ये कहा सीएम ने।
समाज की उन्नति और क्षेत्र के विकास के लिए प्रयासरत थे, ये भी कहा। मंडावी का निधन हम सब के लिए अपूर्णीय क्षति है। तो आपको बता दें, बड़ी और दुखद खबर, लगातार अपडेट हम रोमाना अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। सुबह से जब से खबर मिली लगातार प्रतिक्रियाएं भी पहुंचा रहे हैं उनके जो साथी, उनके जनप्रतिनिधि, जो नेता, उनके रिएक्शंस हम पहुंचाए हैं। इस बीच सीएम भूपेश बघेल ने भी दुख जताया उनके निधन पर, कहा कि मंडावी वरिष्ठ आदिवासी नेता थे, उपाध्यक्ष सहित अनेक महत्वपूर्ण पदों को उन्होंने सुशोभित किया है। आपको ये भी बता दें कि मनोज मंडावी आदिवासी समाज के बड़े नेता रहे थे, समाज की उन्नति और क्षेत्र के विकास के लिए प्रयासरत थे। दुख जताया है उन्होंने। आपको बता दें कि 3 बजे नाथिया नवागांव पहुंचेंगे सीएम। सीएम ने आपको बता दें कि इस पूरी खबर पर जब हम रोमाना जी जब फोन ले रहे थे, बहुत सारे लोगों से हमने फोन पर चर्चा की। उस दौरान राज्यपाल अनुसुईया उइके भी हमसे जुड़ी थी, उन्होंने भी उनके निधन पर दुख जताया, कहा कि बहुत बड़े नेता, जो कि उन्होंने एक मंदिर बनवाया अपने क्षेत्र में, उस मंदिर में उनको आने के लिए आमंत्रित भी किया था, लेकिन ये बहुत दुखद खबर आज उनको मिली। वो सोच रही थी उस मंदिर में जाने की, तो उन्होंने अपना रिएक्शन दिया। इसी तरीके से बहुत सारे जो जनप्रतिनिधि, जो उनके साथी मंत्री, जो उनके संवैधानिक पद पर मौजूद विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास मैन, तमाम लोगों ने उनके निधन पर दुख जताया। उनके साथ गुजारे पलों को उन्होंने याद किया और साथ ही ये बताया कि बहुत बड़े नेता, बहुत बड़े आदिवासी समाज का एक बड़ा चेहरा, जो कि ना केवल प्रदेश स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने आदिवासियों का नेतृत्व किया। रोमाना एक बड़ा नुकसान, बड़ा लॉस इसे कहा जाएगा आदिवासी क्षेत्र में कांग्रेस का। बिल्कुल, जाने से क्षति हुई है, सीएम ने जो दुख जताया है। और बाकी जिस तरीके से अभी बात कर रहे थे लगातार जितने भी नेता थे उनसे जुड़ के, तो एक अलग ही छवि थी। और लगातार जो आदिवासियों के लिए काम किए जा रहे थे वो हमेशा याद भी किए जाएंगे, राहुल, उनके द्वारा जो किए जा रहे थे काम। बिल्कुल, आज उनके पार्थिव शरीर को उनके गृह ग्राम ले जाया जाएगा और शाम लगभग 4 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे। 11 बजे अपडेट ये दे दे राहुल कि पहले 4 बजे होना था, लेकिन अब 11 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा कल, जिसमें कल किया जाएगा 11 बजे अंतिम संस्कार। चलिए एक बड़ी अपडेट यहाँ दर्शकों को बता देते हैं। पहले ये खबर मिल रही थी कि आज 4 बजे शाम को उनका अंतिम संस्कार होगा, लेकिन इस वक्त अपडेट बता दें आपको, बड़ी अपडेट, कल सुबह 11 बजे मनोज मंडावी का अंतिम संस्कार उनके गृह ग्राम में किया जाएगा। और 3 बजे आज सीएम पहुंचेंगे नाथिया गांव। बिल्कुल, ये उनका गृह ग्राम है नाथिया नवागांव, जहां पर आज सीएम भी पहुंचेंगे। और इस वक्त की बड़ी अपडेट यही है कि कल सुबह 11 बजे मनोज मंडावी का अंतिम संस्कार उनके गृह ग्राम में किया जाएगा। पहले ये जानकारी मिल रही थी कि आज शाम 4 बजे ही उनका अंतिम संस्कार हो, लेकिन अभी की अपडेट ये है कि कल सुबह 11 बजे भानु प्रतापपुर विधानसभा के विधायक मनोज मंडावी का अंतिम संस्कार होगा, जिनका आज सुबह हार्ट अटैक आने से निधन हुआ। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी का निधन हो गया है और कल 11 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। नाथिया नवागांव उनका पार्थिव शरीर लाया गया आज सुबह। जिस तरीके से रोमाना उनके जो साथी थे राम भुवन, कांग्रेस के नेता, उनसे जब चर्चा कर रहे थे, उन्होंने बताया कि आज सुबह अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी, उनको कुछ वॉमिट हुई और उसके बाद उनकी जब तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी, सीने में दर्द हुआ, तब उन्हें धमतरी के निजी अस्पताल ले जाने की कोशिश की जा रही थी। इस दौरान ये बताया जा रहा है कि रास्ते में ही उनका निधन हो गया और एक बड़ा लॉस छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिए, एक बड़ी क्षति के तौर पर इसे देखा जा रहा है, क्योंकि आदिवासियों के बड़े नेता रहे और आज शाम 4 बजे पहले उनके अंतिम संस्कार की जानकारी मिली थी, लेकिन अब उस कार्यक्रम में बदलाव किया गया, कल सुबह 11 बजे उनका अंतिम संस्कार गृहग्राम में किया जाएगा। बिल्कुल, तो भानु प्रतापपुर विधानसभा से विधायक थे और लगातार आदिवासी जो क्षेत्र है, आदिवासी जो समाज है, उसके लिए भी काफी काम किया है। बिल्कुल रोमाना, बहुत सारा उनका ऐसा योगदान रहा अपने क्षेत्र के लिए और आदिवासी समाज के लिए, इसे हमेशा याद किया जाएगा। उनके क्षेत्र के लोगों में इस बात को लेकर शोक की लहर है और बहुत दुख है लोगों को, क्योंकि उनका एक लोकप्रिय नेता, जो कि बहुत मुखर तरीके से, बहुत ही निडरता से लोगों की बातों को प्रशासन के सामने रखता था, उन्हें इस बात का डर नहीं होता था, क्योंकि देखो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है भानु प्रतापपुर, वहाँ पर अगर कोई जननेता काम कर रहा होता है उसके साथ बहुत सारी चुनौतियाँ होती है, विपरीत परिस्थितियाँ होती है। उस परिस्थितियों में भी यहाँ मनोज मंडावी ने बहुत बेहतर काम किया, बहुत निडरता के साथ
और बहुत मुखरता के साथ उन्होंने काम किया। वो अपनी बात भी इसी तरीके से रखते थे। बिल्कुल, विधानसभा के अध्यक्ष चंदास मेहन बता रहे थे कि उन्होंने जिस तरीके से विधानसभा के भीतर भी वो बड़ी मुखरता से बात रखते थे और बहुत से संवैधानिक पद में रहने के बाद वो विधानसभा का सदन का संचालन भी बहुत ही बेहतर तरीके से करते थे। सत्ता पक्ष और विपक्ष को बराबरी का मौका देते थे, बराबरी से उन्हें सुना करते थे और जो संवैधानिक बातें होती थी, जो नियम होते थे, उन्हें बहुत ही बेहतर तरीके से समझाते थे। विधानसभा उपाध्यक्ष श्रद्धेय मनोज मंडावी जी हमारे बीच नहीं रहे, मैं उनको मेरी ओर से, मेरे दल की ओर से सत सत नमन करता हूँ, सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनका जाना हमारे लिए बहुत अपूर्ण क्षति है, आदिवासी समाज के लिए अपूर्ण क्षति है। इस दुख की घड़ी में उन परिवार जनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें, ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूँ। मेरे को 6:30 बजे खबर मिला है, उस समय से मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मनोज मंडावी एक आदिवासी बहुत बड़ा चेहरा था। जब भी आदिवासी का बात होता था बस्तर के बारे में दमदारी से लड़ता था। आज हमारा बीच में नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ। सवेरे 4:30-5 बजे उनके निवास स्थान में उनकी तबीयत खराब हो गई थी, चारिमा हॉस्पिटल ले जाया गया। चारिमा हॉस्पिटल में तबीयत ज़्यादा खराब होने से उनको यहाँ के लिए रिफर किया गया धमतरी के लिए, लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि लाते रात रास्ते में ही उनका यहाँ पे निधन हो गया, जिसकी घोषणा यहाँ धमतरी DCS में की गई। कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है, उसकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। भानुप्रतापपुर विधायक और छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष दिवंगत मनोज सिंह मंडावी अपने छोटे बेटे अमन मंडावी की कामयाबी से बेहद खुश थे। बिल्कुल, अमन मंडावी युवा कांग्रेस कांकेर के नए जिलाध्यक्ष नियुक्त किए गए और इस पर उन्होंने 2 दिन पहले ही रुमाना IBS 24 को अपनी प्रतिक्रिया दी थी और खुशी से भरे पल और उनका बयान उनकी जिंदगी का आखिरी बयान बन गया। भरी बरसात में यहाँ के युवा कांग्रेस के साथियों ने, कांग्रेस कमेटी के साथियों ने, NSI के साथियों ने और सभी महिलाओं ने और पुरुषों ने जिस हिसाब से स्वागत और सत्कार की गई, उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ताओं का इस प्रकार से यूथ कांग्रेस के प्रति समर्पण, राहुल जी के प्रति समर्पण, सोनिया जी के प्रति समर्पण और खासकर इस प्रदेश के मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल जी के प्रति समर्पण का एक प्रयास वाची है। मैं कह सकता हूँ कि आज इतने लोग इकट्ठा होकर यूथ कांग्रेस के जितने भी पदाधिकारी हैं सब साथियों का स्वागत किया गया। आज के अवसर पे मैं इतना कहना चाहता हूँ, सभी जनताओं का, कार्यकर्ताओं का, युवा कांग्रेस के, कांग्रेसियों का, महिला कांग्रेस का और सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। उसी प्रकार से सभी जितने भी हमारे यूथ कांग्रेस के जिला के जितने भी पदाधिकारी हैं उनको मैं शुभकामना देता हूँ, उनको आशीष देता हूँ कि वो अपने जीवन में खूब उन्नति करें, खूब आगे बढ़ें और कांग्रेस के जीत में, कांग्रेस के उन्नति में और खासकर राहुल जी को और सोनिया जी को मजबूती दें। ऐसी मेरा सोच है, ऐसे उनसे निवेदन है। चलिए तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष मनोज मंडावी का आज सुबह हार्ट अटैक से निधन हुआ। नाथिया नया गांव में उनका पार्थिव शरीर लाया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अखिलेश हमसे जुड़ गए हैं। अखिलेश, अभी और क्या अपडेट इस उसमें? अभी जो हमें अपडेट मिली वो ये मिल रही कि जो कार्यक्रम आज अंतिम संस्कार का 4 बजे होना था उसे परिवार के जो लोग हैं वो कुछ पहुंच नहीं पा रहे हैं, जिसके चलते उसे पोस्टपोन कर दिया गया है और वो कार्यक्रम जो है कल सुबह 11 बजे रखा गया है, अंतिम संस्कार का कार्यक्रम जो है। और हमें जानकारी थी कि जो हमें पहले अपडेट मिली थी उसमें ये थी कि 3 बजे के आसपास मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचेंगे कांकेर, पर अभी लगातार जो कांकेर के विधायक है वो यही मौजूद है और वो लगातार रायपुर वहां पर फोन में बात कर रहे हैं, तो अभी तक
उसकी अपडेट नहीं आई कि अब वो आ जाएंगे या कल आएंगे, अब वो थोड़ी देर में ही मुख क्लियर हो पाएगा। बल्कि जो जबकि अंतिम संस्कार जो कार्यक्रम है वो कल 11 बजे होगा, ये अब तय हो चुका है। और बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है, आम लोग हैं, वो नथिया नवागांव के जो गृहग्राम है वहाँ पहुंच रहे हैं। तो बिल्कुल कार्यकर्ताओं का जो सिलसिला है वो जमा होना वहां पे शुरू हो गया है, पहुंचने लगे हैं गृहग्राम, और कल 11 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा, पहले आज 4 बजे होना था। आप लगातार नजर बनाए रखें, हम आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अभी के लिए।